नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। तैयारियों में जुटी रामनगरी। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त यानी कि कल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे और ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटे तक वो वहां पर रहेंगे और इस दौरान वो दर्शन पूजन भी करेंगे। साथ ही अयोध्या में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। शनिवार यानी कि आज 10 बजे ही राष्ट्रपति की अयोध्या यात्रा का रिहर्सल किया गया और बता दें इसके बाद रामकथा संग्रहालय में पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग भी की गई। जानकारी के मुताबिक अयोध्या रेलवे स्टेशन से महामहिम रामकथा पार्क पहुंचेंगे और वहां पर वो रामायण कॉन्क्लेव का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही बता दें राष्ट्रपति के साथ प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। तो 4 दिवसीय दौरा रामनाथ कोविंद का चल रहा है यूपी का। ऐसे में आज उनका गोरखपुर दौरा है और कल वो अयोध्या पहुंचेंगे और इसी को लेकर अयोध्या में अब तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बता दें रामनाथ कोविंद के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और इसी को लेकर अयोध्या में तैयारियां काफ़ी जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम काफ़ी ज़्यादा सख्त कर लिए गए हैं। ऐसे में प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो रवाना होंगे लखनऊ से अयोध्या के लिए और कल सुबह वो अयोध्या पहुँचेंगे जहाँ पर वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 4 दिवसीय यूपी का दौरा चल रहा है जिसमें वो सबसे पहले लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। 2 दिन उन्होंने लखनऊ में बिताए और उसके बाद आज उनका ये गोरखपुर दौरा भी है। इसके बाद कल उनके अंतिम दिन में वो अयोध्या का दौरा करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि वो वहाँ पर पहुँचेंगे ट्रेन के माध्यम से। वो वहाँ पर जाएंगे राष्ट्रपति और ऐसे में को लेकर अयोध्या में तैयारियां जो हैं वो काफ़ी जोरों पर चल रही हैं। हालांकि आज सुबह राष्ट्रपति की अयोध्या यात्रा को लेकर अयोध्या में रिहर्सल भी किया गया और इसके बाद रामकथा संग्रहालय में पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग भी की गई। साथ ही जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से महामहिम रामकथा पार्क जाएंगे जहाँ पर वो रामायण कॉन्क्लेव का शुभारम्भ भी करेंगे और ऐसे में राष्ट्रपति के साथ प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, कल रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा है, किस तरह की तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आज मुख्यमंत्री समेत आज पहुंचेंगे गोरखपुर और इनका कार्यक्रम जो है वो 11:30 महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय में पहले वो शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ 2:30 और 2:15 के बीच में महागुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। आज गोरखपुर में भी इनके कई कार्यक्रम हैं और 10:40 पे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 11:00 से लेकर शाम तक लगातार प्रोग्राम तय है। अब कल इनका आखिरी दिन है यानी कि आखिरी दौरा होगा यूपी दौरा। कल अयोध्या का इनका दौरा होगा और कल खासतौर से तैयारी की गई है क्योंकि अयोध्या काफी काफी टाइम के बाद कह सकते हैं राष्ट्रपति जा रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा की अगर हम बात करें या व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो दोनों लिहाज से फुल तैयारी हो चुकी है। वहाँ की लोकल पुलिस हो या फिर बाहर के जो उनके साथ एसटीजी चलती है उनके साथ यहाँ की सुरक्षा को लेते हुए अयोध्या में फुल बिल्कुल रूबी। और देखिए, ट्रेन के जरिए रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे और इसीलिए ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस जिस स्टेशन से ट्रेन गुजरेगी वहाँ पर भी सुरक्षा के उस स्टेशन पर खासा इंतजाम रहेंगे। जी बिल्कुल, खास तौर से इंतजाम यही इसी बात का रखा गया है, चाहे रेलवे ट्रैक हो या फिर आसपास के जितने भी बॉर्डर हो उन सभी पे खासतौर से निगरानी बना के रखने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही साथ अयोध्या में आने वाले बाहर के लोगों पे रोक लगा दी गई है यानी कि अब जो आज जिनको जाना होगा वो पहुंच सकते हैं, कल की डेट में वहां पे पहुंचना बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है। सारे होटलों की तलाशी हो चुकी है, सारे होटलों की बुकिंग लेना बंद कर दिया गया है और ऐसे में रामलला के जहाँ पे दर्शन करने के लिए भी जाएंगे वहां की भी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। निगरानी काफी दुरुस्त रखी गई है। हालांकि इस मामले में डीजीपी ने पहले भी बोला था और आज भी उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है उसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल रहेंगे, तो ऐसे में निगरानी जो है वो 4 दुगनी होगी यानी कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है अयोध्या से लेकर लखनऊ तक में और आज गोरखपुर
रायपुर में उनके जो दौरा है उन सभी में सारे आलाकमान को लगा दिया गया है। तो ऐसे में अयोध्या पहुंचेंगे और कल जो उनका अयोध्या का प्रोग्राम है खास माना जा रहा है, क्योंकि उसके बाद ही वो निकल जाएंगे यहाँ से और उसके बाद योगी भी कल अयोध्या में राष्ट्रपति का क्या क्या कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ वो जाएंगे? सबसे पहले अभी जो सूचना है वो दो जगह विश्व वहाँ के जो विद्यालय है जाएंगे, उसके साथ ही साथ रामलला जहाँ पे शिलान्यास किया गया है वहाँ पे भी वो जाएंगे। कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी जो सूचना मिल रही है वो गोरखपुर के प्रोग्राम को लेकर बताया जा रहा है। अब कल का जो प्रोग्राम है वो आज शाम तक बताया जाएगा कि कल इन दो जगहों को बताया गया है खासतौर से यहाँ पे इनका जाना तय है। अब अयोध्या का इनका जाना और उसके बाद सियासी दावपेच भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो सियासी यहाँ पे विरासत है वो बिछ चुकी है। अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, हालांकि कई चेहरे ऐसे सामने हैं जिनका नाम भी पेश हो चुका है, यानी कि विधानसभा चुनाव का समय भी बहुत कम बचा है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि राष्ट्रपति यहाँ से जाएंगे और उसके बाद योगी सरकार जो है यानी कि योगी आदित्यनाथ है फिर से एक बार अपनी कमान लेंगे, हुक्म आरान करके अपने जो संदेश होंगे वो मंत्रिमंडल विस्तार में करेंगे। जी चलिए रूबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें 4 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऐसे में आज उनका गोरखपुर दौरा है और कल अयोध्या वो पहुंचेंगे, इसीलिए अयोध्या में अब तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर कर ली गई हैं और साथ ही वो रामलला के दर्शन भी करेंगे, इसीलिए पूरी सुरक्षा भी चाक चौबंद पर रखी गई है और खासा इंतजाम किए गए हैं ट्रेन के जरिए। बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे लखनऊ से अयोध्या, ऐसे में आज उनका गोरखपुर दौरा है और साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज अयोध्या में भी सुबह 10 बजे राष्ट्रपति के पहुंचने को लेकर रेलवे स्टेशन पर जो है रिहर्सल की गई और सभी अधिकारियों को ब्रीफिंग भी दी गई और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीतापुर में कबाड़ व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला महोली कोतवाली के मस्जिद बाजार का है घटना, जहां एक कबाड़ व्यवसायी बता दें नियाजपुर से साइकिल से वापस आ रहा था, उसी समय हमलावरों ने पीछे से उसे गोली मार दी और फरार हो गया। गोली लगने से व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। तो सीतापुर का पूरा मामला है जहां पर कबाड़ व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। तो बता दें सीतापुर का ये पूरा मामला है जहां पर कबाड़ व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि किस वजह से गोली मारी गई, क्या ये पुरानी रंजिश थी या कोई और मामला था, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन पुलिस को जैसे इस पूरे मामले की सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में अब पुलिस जुट गई है। बता दें कबाड़ व्यवसायी रास्ते में जा रहा था, जिस दौरान पीछे से आ रहे कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आगरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद भी अवैध शराब की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। साथ ही थाना एतमादौला क्षेत्र के गड़ी चांदनी गौतम नगर में अवैध शराब बेची जा रही थी और अवैध शराब बता दें इधर हिंदू महासभा की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई और अवैध शराब सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया है। साथ ही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष ने कहा है कि आगरा में घर घर जहरीली शराब परोसी जा रही है। तो बता दें आगरा में जहरीली शराब जो है लगातार जहरीली और अवैध शराब बनाने का कारोबार फल फूल रहा है और ऐसे में लगातार यूपी से कई जिलों से लगातार पीते कई महीनों से खबरें भी आ रही थी जहरीली शराब पीने से मौत जो है लोगों की हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शराब माफियाओं को प्रशासन पुलिस का डर नहीं है, इसीलिए धड़ल्ले से ये अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। और अब ये ताजा मामला आगरा का सामने आया है जहां पर धड़ल्ले से ही अवैध शराब का कारोबार चल रहा था और इसकी हिंदू महासभा ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो इन सबको पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ और अपडेट है? अवैध शराब कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है और क्या कुछ अपडेट है? ऐसा है कि आगरा में लगातार अवैध शराब का कारोबार फूल रहा है। 14 लोगों की जहरीली शराब से अभी हाल ही में मौत हुई है, जिसके बाद प्रशासन लगातार अवैध शराब जो बेच रहे हैं और जो बना रहे हैं उनकी लगातार है। पर इसके बावजूद भी प्रशासन एक हमला है उनका शराब आपकों जो जी अमित अमित, लेकिन देखिए बीते कुछ दिन पहले भी जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की जान गई थी, उसके बाद भी प्रशासन जो है वो सख्त हो गया था, पुलिस ने उस मामले में भी कार्रवाई की थी, लेकिन फिर भी उसके बाद क्यों लगातार ये कारोबार फल फूल रहा है? क्या शराब माफियाओं में प्रशासन का दर्द नहीं है? मैं आपको ये बता दूं कि जो जितने भी अधिकारी उनको किया है, इस पूरे मामले में कई सारे लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, आबकारी अधिकारी जो है उनको भी निलंबित किया गया, पर जो लोकल पुलिस है पर संबंधित जो है उनके साथ पहले ही बना हुआ है। काफी सारे पेड़ दल अभी आगरा के प्रहार में किए गए हैं, पर इसके बावजूद शराब माफिया कहीं ना कहीं प्रशासन गठजोड़ अपने इन कारनामों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, और क्या कुछ ये भी जानकारी मिल रही है कि ये लोग कब से ये कारोबार कर रहे थे? हाँ, ये काफी दिन से ये कारोबार चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही 14 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है, शराब माफिया उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जो हनक लेके जो सफेद पोस्ट लोग हैं उनका भी इसके पीछे और प्रशासनिक आमले पे दबाव बना रहे हैं, इसके बावजूद भी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीते दिनों जहरीली शराब पीने से जब लोगों की मौत हुई तो जब प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया तो अब जगह जगह से ये मामले जो हैं और सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, शराब है जी। चलिए अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध कच्ची शराब का कारोबार फल फूल रहा था, ऐसे में हिंदू महासभा की तरफ से पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है कि और कहा है कि आगरा में घर घर जहरीली शराब परोसी जा रही है, जिससे और धड़ल्ले से ये अवैध शराब का कारोबार पिछले काफी समय से चल रहा था, जिसको अब पुलिस ने पूरी तरह से एक्शन मोड में आते हुए अब रोक दिया है और ऐसे में पुलिस ने कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है जहां पर एक पेपर कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई। बता दें पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के साइट 5 का है, जहां पर एक पेपर कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई है। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि किन कारणों से आग लगी है। आग की चपेट में लाखों का माल जलने की आशंका भी बताई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है जहां पर पेपर की फैक्ट्री में आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया, यह अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो बता दें ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर पेपर कंपनी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान जो है फैक्ट्री में वो काफी ज्यादा हुआ होगा। हालांकि अभी कितना नुकसान हुआ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के साइट 5 का पूरा मामला है जहां पर एक पेपर कंपनी स्थित थी और उसमें अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना दी गई और सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही और ऐसे में आग को काबू करने में काफी समय भी लग गया। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आग किस वजह से लगी थी और किन कारणों से लगी थी। और साथ ही बता दें आग की चपेट में लाखों का माल जलने की आशंका भी जताई जा रही है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के निर्देश अनुसार शक्ति मोबाइल की तरफ से थाना भिंगना और थाना मलहीपुर क्षेत्र में स्कूल और गांव सिसवा रोलिया कोकल और स्कूल वीरगंज पटना में मिशन शक्ति अभियान फेज 3 के बारे में महिलाओं और बच्चियों को जानकारी दी गई और ऐसे में उन्हें बताया गया सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून के बारे में और नियमों के संबंध में बताते हुए उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस और हेल्पलाइन नंबर विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चिकित्सकीय सहायता के लिए 108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया गया कि अगर किसी तरह की समस्या होती है या कहीं भी आने जाने पर कोई अनजान व्यक्ति परेशान करता है तो हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर सहायता आपको मिल सकती है। साथ ही फोन करने वाली महिलाओं और बच्चियों का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा, तो ऐसे में इन महिलाओं और बच्चियों को श्रावस्ती में जागरूक किया गया, उनके अधिकार के बारे में उन्हें बताया गया और साथ ही उन्हें बताया गया कि किन किन हेल्पलाइन नंबर से आप मुसीबत के समय में मदद मांग सकते हैं। स्कूलों में जाकर बच्चियों को, लड़कियों को इस बारे में जानकारी दी गई और गांवों में जाकर महिलाओं को भी जागरूक किया गया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर हुआ है और लगातार देखिए खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम दिखा रही थी। आपको बता दें कि थाना सोनवा क्षेत्र के ककनुंधु गांव में कच्ची शराब पीने से जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसकी खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी और चलाई थी, जिस पर अब जिला श्रावस्ती का पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए श्रावस्ती के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है और जिस पर श्रावस्ती का पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है, जिसके चलते थाना गिलोला पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की तरफ से एक अभियुक्त के पास से 94 शीशी देसी शराब बरामद की गई है और अब अवैध कच्ची शराब के खिलाफ भी चलाए जा रहे इस अभियान में किकड़ी में थाना इकोना की पुलिस टीम ने भी 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया है। तो श्रावस्ती का ये पूरा मामला है जहाँ पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। दरअसल न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था जहां पर कच्ची शराब के साथ अब एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में कच्ची शराब पीने से एक शख्स की जान चली गई थी और इसी खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर अब प्रशासन ने एक्शन मोड में प्रशासन नजर आया और एक्शन लेते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साथ ही शराब बनाने का सामान भी जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया है। तो बता दें श्रावस्ती का यह पूरा मामला है जहां पर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दरअसल श्रावस्ती में भी कच्ची शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दिया और एक्शन लेते हुए प्रशासन ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें पूरे यूपी में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से आगरा हो, अलीगढ़ हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और अवैध कच्ची शराब पीने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी को लेकर श्रावस्ती में भी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत अब एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कई थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब माफियाओं पर ये शिकंजा कसने के लिए श्रावस्ती के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया है और जिस पर श्रावस्ती का पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखा और जिसके चलते थाना गिलोला पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की तरफ से एक अभियुक्त के पास से 94 शीशी देसी शराब बरामद की गई। साथ ही अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में किकड़ी में थाना इकोना की पुलिस टीम ने भी 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के कमला नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जुआ खेलने से जुड़े 5 लोगों को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से मोबाइल, लैपटॉप, रजिस्टर के
कैलकुलेटर और सट्टा नोटबुक भी बरामद की है। वहीं शातिर सट्टेबाज अंकुश मंगल अग्रवाल मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सट्टे का कारोबार अंकुश अग्रवाल की देखरेख में चलता था। फिलहाल पुलिस अब फरार अंकुश अग्रवाल की तलाश में जुट गई है। कल रात्रि थाना कमलानगर क्षेत्र में पुलिस को पता चला कि सट्टा चल रहा है, तो स्थानीय पुलिस टीम दबिश देकर एक मकान से 5 व्यक्तियों के साथ सट्टा के व्यापक साधन और कुछ पैसे बरामद किए। जो 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं सट्टा खेलते हुए, उनमें हैं सोनू अग्रवाल उर्फ सोनू फ्रॉड, अंकित गर्ग, रिंकू कुमार, अरुण शर्मा, वरुण अग्रवाल और एक मेजर सटोरिया अंकुश अग्रवाल उर्फ अंकुश मंगल वहां से फरार होने में सफल हो गया। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। फतेहपुर जिले में जिला और सत्र न्यायालय की अपर जिला जज पास को कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल का कारावास और 31,000 का अर्थदंड भी लगाया है। और ऐसे में बता दें, पीड़ित के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि थरियाव थाना क्षेत्र के एक गांव में साल 2017 में 8 साल की मासूम के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने भैला फुसला कर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद घटना के बाद मासूम को ये धमकी भी दी गई थी कि अगर किसी से कुछ बताया तो उसके माता पिता को जान से मार दिया जाएगा। डरी सहमी मासूम ने उस वक्त तो अपना मुंह बंद रखा, लेकिन घटना के 2 महीने बाद जब उसे कुछ तकलीफ हुई तो उसने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद उसकी मां ने थरियाल थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसी मामले में अब कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाती है। तो बता दें, नाबालिग से रेप के मामले में 12 साल की सजा आरोपी को सुनाई गई है। और साथ ही ये भी बता दें कि नाबालिग से 2017 में बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद आरोपी ने मासूम बच्ची को डरा धमका दिया था कि अगर किसी को घटना के बारे में जानकारी दी तो उसके माता पिता के साथ गलत हरकत होगी, तो इसीलिए डर की वजह से मासूम ने भी इस घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। लेकिन 2 महीने बाद मासूम ने इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया और जैसे ही उसकी मां को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही थाने में जाकर तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। और अब 4 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 12 साल की सजा सुना दी है और साथ ही 31,000 का जो है उसे देना भी पड़ेगा जुर्माना। ऐसे में अब नाबालिग से रेप के मामले में 12 साल की आरोपी को सजा सुना दी गई है। मामला ये था, 3 क्षेत्र का मामला था, ये थाना थरियाव में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी 4/1/2017 को और इसकी घटना 4/1/2017 की, और घटना की जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी वो 17/1/2017 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। घट जो गांव था वो गांव में एक उदय सराव गांव था और वहां की पीड़िता की मां, काल्पनिक नाम है, उस नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसने अभियुक्त राव से जो टोपी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और थाना थरियाव में मुकदमा दर्ज हुआ 3/76/5/4/5/6 और 3/4/500 के तहत दर्ज हुआ। इसमें आरोपी जब से गिरफ्तार किया गया तब से वो जेल में ही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।